मैटर। जैसे कि हमें पता है कि एटम्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और यहाँ तक कि हम भी इस मैटर से ही बने हुए हैं, लेकिन इस मैटर का सिर्फ 5% ही हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद है। 27% है डार्क मैटर और बाकी का 68% है डार्क एनर्जी। लेकिन ये दोनों ही इनविजिबल हैं। ये एक तरह से बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये बताता है कि हम जो कुछ भी अनुभव या फील करते हैं वो एक्चुअली बहुत बड़े रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लेकर हमें कुछ भी नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। फिर भी एटलीस्ट हमें ये पता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि डार्क एनर्जी को लेकर ऐसा वीडियो शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो आप देख रहे हैं साइंस स्कोप और मैं हूं देवाशीष। चलिए जान लेते हैं। डार्क मैटर एक ऐसा चीज है जिसके वजह से ही गैलेक्सीज एग्जिस्ट करता है। जब हम देखते हैं कि ये यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, तभी हम लोगों को ये भी समझ आता है कि वहाँ पे यानी उस यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर उतना मौजूद नहीं है। विजिबल मैटर का ग्रेविटी उतना स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं है जो कि गैलेक्सीज या वैसा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना सके। ये विजिबल मैटर से अगर स्टार्स या गैलेक्सीज बनता, तो स्टार्स और गैलेक्सीज का जो शेप आज हम देख रहे हैं वो वैसा नहीं होता, बल्कि वो बिखर जाता। तो हम एटलीस्ट ये तो मान सकते हैं कि ये स्टार्स और गैलेक्सीज के आसपास कुछ तो ऐसा ज़रूर मौजूद है जो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट या एमिट नहीं करता है, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही डार्क हो। लेकिन अगर कहें तो हम इस डार्क मैटर को एक्चुअली देख भी सकते हैं, लेकिन सवाल है कि कैसे। स्पेस में कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ पे डार्क मैटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद है और वहाँ लाइट भी ठीक तरीके से नहीं जा पाता। वहाँ पर लाइट एक्चुअली बेंड हो जाता है। तो हमें ये पता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूर मौजूद है जिससे ग्रेविटी इंटरैक्ट करता है। अभी हम इतना तो जानते हैं कि डार्क एनर्जी क्या है और क्या नहीं। हमें ये पता है कि डार्क मैटर सिर्फ नॉर्मल मैटर का कोई क्लाउड ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पार्टिकल्स को ज़रूर इमिट करता, जिसको हम डिटेक्ट भी कर पाते। डार्क मैटर एक एंटी मैटर भी नहीं है, क्योंकि जब एंटी मैटर नॉर्मल मैटर से रिएक्ट करता है तब एंटी मैटर गामा रेस को छोड़ता है। यहाँ तक कि डार्क मैटर कोई ब्लैक होल से भी नहीं बना है, क्योंकि अगर डार्क मैटर ब्लैक होल होता तो ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड या जमा हुआ होता। लेकिन दूसरी तरफ ये डार्क मैटर हर जगह पे फैला हुआ है। बेसिकली अगर कहा जाए तो हमें तीन चीज़ पता है कि वहाँ स्पेस में कुछ तो ज़रूर है और वो ग्रेविटी से इंटरैक्ट करता है, और ये पूरे स्पेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। शायद डार्क मैटर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जॉटिक मैटर से बना हुआ है जो कि लाइट और मैटर के साथ वैसे इंटरैक्ट नहीं करता जैसे कि हम सोचते हैं। हाँ, लेकिन अभी तक इसके बारे में हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डार्क एनर्जी इससे और भी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है। इसे हम ना देख सकते हैं, ना डिटेक्ट कर सकते हैं, ना इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। 1929 में एडविन हबल ने देखा कि बहुत दूर मौजूद गैलेक्सी से जो लाइट आता है उसका कलर थोड़ा लाल या रेडिश होता है, क्योंकि वो स्पेस के बहुत दूर से ट्रैवल करके आया है, इसलिए उसका वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेड कलर की ओर शिफ्ट होता है। हबल ने देखा कि जितना दूर का गैलेक्सी होगा
उससे निकला हुआ लाइट उतना ही रेडिश होगा और गैलेक्सी जितना पास होगा वो उतना ही कम रेडिश या लाल होगा। हबल मानते थे कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और गैलेक्सीज का वैसे रेडिश होने का रीज़न ये था कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है इसीलिए गैलेक्सीज भी उतना ही दूर जा रहा है। रीसेंट डेटा के मुताबिक यूनिवर्स का ये एक्सेलरेशन का ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होता जाएगा या ये एक पॉइंट में जाके कोलैप्स हो जाएगा जिसको बिग क्रंच के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको बिग क्रंच के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्पेस सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं होता बल्कि ऐसा स्पेस बहुत सारे होते हैं। कन्फ्यूज्ड? नो वरीज, ऐसा नया स्पेस हर एक जगह पे कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रहा है। गैलेक्सीज या क्लस्टर्स, ये सब ग्रेविटी की वजह से ही एक जगह पे टिका हुआ है और इसके वजह से ही स्पेस के इस एक्सपेंशन को हर जगह पे देख तो सकते हैं लेकिन इसको हम फील नहीं कर सकते हैं। इस विशाल यूनिवर्स में जहाँ पर ही कोई खाली स्पेस होता है वहीं पे हर सेकंड में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो शायद डार्क एनर्जी एम्प्टी स्पेस का एक इंटरनल एनर्जी है। ये एक ऐसा एनर्जी है जो किसी भी एनर्जी से सबसे ज़्यादा पावरफुल है और समय के साथ साथ इसका पावर भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एम्प्टी स्पेस में इतना एनर्जी है कि अगर यूनिवर्स के हर एक चीज़ को एक साथ मिला भी लेते हैं तब भी वो एम्प्टी स्पेस से कम ही होगा। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि डार्क एनर्जी एक्चुअली है क्या। एक आइडिया ऐसा है कि डार्क एनर्जी कोई चीज़ या पार्टिकल नहीं है बल्कि ये स्पेस का एक प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि एम्प्टी स्पेस कुछ भी नहीं है लेकिन इसके पास इसका खुद का एनर्जी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को क्रिएट कर सकता है और ये कंटिन्यूसली कर भी रहा है। इसीलिए जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता है वैसे ही उस गैप्स को भरने के लिए रैंडमली स्पेस क्रिएट होता जाता है और जिसके वजह से यूनिवर्स का ये एक्सपेंशन का प्रोसेस और भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। 1917 में आइंस्टाइन ने इसी आइडिया के बारे में बताया था जो कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड था। एक ऐसा फोर्स जो कि ग्रेविटी के ऑपोजिट जाके काम करता है। एक और आइडिया था कि एम्प्टी स्पेस टेम्पररी और वर्चुअल पार्टिकल से भरा हुआ है जो पार्टिकल्स अचानक बनते हैं और फिर से अचानक गायब भी हो जाते हैं। उन पार्टिकल से जो एनर्जी निकलता है वो शायद डार्क एनर्जी हो सकता है या शायद डार्क एनर्जी एक ऐसे अननोन जगह से आ रहा है जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता और ये डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स के नॉर्मल मैटर और एनर्जी से बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट में काम करता है। लेकिन अगर डार्क एनर्जी सच में एग्जिस्ट करता है तो हमें सच में अभी तक नहीं पता कि इसको कैसे और कहाँ पे डिटेक्ट करना है। इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हमें अभी तक जो भी पता है वो सब थ्योरीज हैं। हाँ, मुझे पता है कि इस वीडियो को देख के बहुत लोग बोलेंगे कि ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। यही दिखाता है कि हम अपने आप को कितना भी बड़ा मान लें लेकिन सच तो ये है कि आज तक हम आसमान की तरफ देख के ये बोलते हैं कि ये यूनिवर्स एक्चुअली काम कैसे करता है। लास्ट में आइजैक न्यूटन का वो लेजेंडरी लाइन, व्हाट वी नो इज अ ड्रॉप, व्हाट वी डोंट नो इज अ नोशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ।